गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश ग्रामर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो. एंड द चैप्टर इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 4. ऑलरेडी प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 4, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, वॉट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ सिंगल वर्ड, जैसे कि कोई एक सिंगल वर्ड है फॉर अ नंबर ऑफ वर्ड्स, जिसके कोई भी मतलब काफ़ी सारे उसके मीनिंगफुल जो वर्ड्स निकलते हैं, एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस और क्लॉजेज. ओके, जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस है या कोई एक वर्ड आपको दे रखा है उसके काफ़ी सारे उसके सिमिलर मीनिंग्स जैसे निकलते हैं. ठीक है, जैसे कि अस एक एग्जाम्पल दे रखा है, अ सीट विदाउट अ बैक और आर्म इज नोन एज टूल. नाउ हेयर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, सेंटेंसेज आर देयर. नाउ आई विल रीड सम ऑफ दैम. टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू और रियल, हम लोग कुछ सोचते हैं मतलब वो या तो रियल में हो या ट्रू, मतलब यहाँ पे दे रखा है जो हम लोगों ने कुछ सोचा है या तो वो सच हो या वो रियल में हो, ट्रू हो या फिर वो रियल हो, उसको क्या कहेंगे? बिलीव. द एक्शन ऑफ अलाउइंग समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए, कोई भी एक्शन मतलब कुछ करना है, समथिंग और समवन मतलब आप किसी को कुछ कह रहे हो तो मतलब परमिशन, या तो आप कोई चीज़ किसी को करने के लिए कह रहे हो या फिर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो मतलब परमिशन. अ सर्कुलर पाथ फॉर रनिंग, एक सर्कुलर पाथ है दौड़ने के लिए उसको बोलते हैं ट्रैक. इन अ वे दैट सो समवन इज नॉट एग्जिस्टिंग नर्वस और अपसेट, या तो वो नर्वस है या अपसेट है. क्लेमली अ वे टू अ डेस्टिनेशन रूट, ऐसे ही करके आपको ये सारे रीड आउट करने हैं. यू हैव टू रीड ऑल दिस, आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न ऑल्सो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी एक्सरसाइज. हेयर राइट वन वर्ड फॉर ईच, सॉरी राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, इसके अंदर मतलब एक वर्ड लिखना है आपको. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वी सॉ सम पीपल जॉगिंग ऑन द ट्रैक. सेकेंड, ही स्नोड विद डिलाइट व्हेन ही सॉ द रेड सेंकी स्पोर्ट्स कार. थर्ड, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु विल क्लीन इट. Many people do not want to listen to spiritual master. My parents together make a wonderful couple. In India, many festivals are celebrated with great zeal. On Dashera, Ram got victory over Ravan. Chewing tobacco can make us a victim of cancer. The tortoise was a Tortoise was a chatterbox. We bought tickets to see the museum in the Faith Prakash Palace. Now next exercise. Write one word for the group of words. यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है. I do believe we shall overcome someday. Sit calmly to perform. Sit calmly to perform yogasans. A herd of elephants was passing by. We should always show crap in a dustbin. At sunset, Ram and Lakshman come in a charity. Rohit doesn't go to school and wanders her and there. Sorry, wanders here and there. This particular genie was famous for spoiling things. Stars twinkles in the day sky. Third, I pledge I will never use tobacco again. The villagers shouted on seeing such a strange skins. Now, third exercise and last exercise. The first letter of the word is, sorry, राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. वन वर्ड यहाँ पे भी यूज़ करना है. अ पर्सन हु शोज द वे टू अदर गाइड. अ सीट विदाउट अ बैक और आर्म्स स्टूल. अ प्लेस विथ टेम्परेरी एकोमोडेशन इज अ कैंप. अ प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंट वर क्रिमिनल्स आर पुट जेल.
अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वायलेंस एंड पीपल लिव टुगेदर प्लेस एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग extensions, possibility of something bad, danger, a structure made by spider to catch insects, cobbed, a brush with a long handle used for cleaning the floor, broom, husband and wife, couple, to think carefully and choose what to do, decide, to study again something you have already learned, revise, to say that you are sorry for doing something wrong, apologize, a place where we leave home, a boy or a girl who studies in a school, student, the son of a king, prince. Now today we have completed our chapter number 4. Already 3 chapters we have completed and today 4 chapter is also completed. And this you have to read and this exercise you have to fill only in your textbook. ये आपको आपकी book में ही fill करना है, okay? Only in your book you have to fill this exercise and in your notebook you have to do this work. You have to put the heading chapter number 4, one word substitution. After that, write this question. Question number 1, what is one word substitution? This question you have to write. After that, answer number 1, one word substitutions means a single word for a number of words, expresses, phrases or clauses. Now, for example, a seat without a back or arm is stool. This work you have to do it in your notebook. आपको ये work आपकी notebook में करना है और exercise आपको जो है सारा book में ही fill करना है, okay? And you have to learn also. Thank you.